स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट बिहार से एमटेक करना चाहते हैं, ठीक है, और वो गेट एग्जामिनेशन 2022 दिए हैं और क्वालिफाइड है तो वह बिहार से एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं। अगर जो स्टूडेंट गेट क्वालिफाइड नहीं कर पाए हैं वह विथाउट गेट एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो भी जो है बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इसका एक क्राइटेरिया होता है कि जो स्टूडेंट्स गेट क्वालिफाइड होते हैं उनको पहले एडमिशन लिया जाता है और उनका एडमिशन होने के बाद अगर सीट वैकेंट रह जाती है तो जो स्टूडेंट्स विथाउट गेट फॉर्म अप्लाई करते हैं उनका एडमिशन होता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि बिहार में एमटेक में एडमिशन कैसे होता है, तो जो आपका बीसीसी बोर्ड है, ठीक है, उनके द्वारा जो है आपका ऑफलाइन काउंसलिंग कराया जाता है। फॉर्म का नाम होता है PGESC, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग, ठीक है। इनके द्वारा जो है बीसीसी के द्वारा जो है वो फॉर्म रिलीज किया जाता है और जो है उनका ऑनलाइन अप्लाई होता है। उसके बाद आपको ऑफलाइन जो है एमटेक में एडमिशन के लिए काउंसलिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है, उसके थ्रू जो है आपका एडमिशन होता है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि जो स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग से एमटेक करना चाहते हैं, ठीक है, एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग वो स्टूडेंट्स को कौन कौन सा कॉलेज में अवेलेबल है बिहार के, ठीक है, तो कौन कौन सा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें आपका सिविल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन से जो है आप एमटेक कर सकते हैं वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं MIT मुजफ्फरपुर, जो आपका मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है यह आपका जो है सिविल इंजीनियरिंग में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में जो है आप स्पेशलाइजेशन में एमटेक कर सकते हैं। इसमें आपका 30 सीट अवेलेबल है। नेक्स्ट है आपका BC बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसमें आप जियो इन्फॉर्मेटिक्स में जो है आप एमटेक कर सकते हैं। इसमें आपका 30 सीट अवेलेबल है। नेक्स्ट है आपका LNJPIT छपरा, जो आपका छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसमें आप जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में जो है आप एमटेक कर सकते हैं। इसमें आपका 30 सीट अवेलेबल है। अगर आप बिहार से एमटेक करना चाहते हैं तो आपको बिहार में सिर्फ 3 ही गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें आपका एमटेक में जो एमटेक जो है आप सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से कर सकते हैं और उसमें जो आपका स्पेशलाइजेशन जो आपका अवेलेबल है वह ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में जो है आप एमटेक कर सकते हैं। और वो भी जो है आपका इस बार से ही स्टार्ट होगा, जो आपका 2022 बैच होगा 2022 बैच से ही जो है आपका ये तीनों इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है आपका सिविल ब्रांच से एमटेक स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले आपका एमटेक जो है वो सिविल ब्रांच से बिहार में अवेलेबल नहीं था बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में। इस बार से जो है आपका 3 इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे हैं जिनमें आपका सिविल से आप एमटेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई दूसरा ब्रांच से एमटेक करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि बिहार के कौन कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में अवेलेबल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।